देखिए गोश है, गोश मटन जो भी कुछ बोलो आप, तो ये है मेरे पास गोश। और मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, ये इसका पेस्ट मैंने डाली हूँ अदरक लहसुन हरी मिर्ची का। और इसमें अभी एक चीज़ और डालूंगी मैं, जिस तरह से नॉर्मल पुलाव बनाती हूँ उस तरह से आज नहीं बना रही हूँ मैं, आज मैं बना रही हूँ अलग तरीके से। तो मैं आपको बता देती हूँ वो मसाला मैं क्या डालूंगी। तो देखिए ये मैं मसाला डालने वाली हूँ जो एस फुट का है ना, एस ए फुट, तो इसका पुलाव मसाला ये देखिए है ना, तो मैं इसे इसमें डालूंगी। और आज मैं इस तरह के से ये मसाले से आज मैं बनाऊंगी पुलाव, ठीक है। तो अब मैं डाल रही हूँ, देखिए नॉर्मल मैं क्या करती हूँ, इसे गोश्त सिर बना मैंने बॉईल करती हूँ गरम मसाला डाल के और नमक डाल के। मैं आज है ना अदरक लहसुन मिर्ची उसका पेस्ट डाल दी और ये मैं मसाला पुलाव का डाल रही हूँ ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए। मैंने बहुत दिनों से ला के रखी, तो मैंने इसके ना 3.5 चम्मच डाली हूँ, ये वाले चम्मच तो आप लोगों को मिल जाते हैं आइसक्रीम की दुकान पे। मैंने नमक भी ऐड कर दी हूँ, और नॉर्मली आपको बताई हूँ ना वो फ़ोन आ गया था जरा, तो इसके लिए फ़ोन के अंदर बिजी हो गई। तो मैंने मसाला डाली हूँ आपको बताई ना, ऐसे फूड का मसाला जो फेमस मसाला है वो आपको हर एग्जीबिशन, मतलब हर एग्जीबिशन में ज़्यादा करके ना ग्रेस नेटवर्क एग्जीबिशन में मिलता है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं वहाँ से ये मसाला लाती हूँ और इनकी आईडी भी मैं टैग कर देती हूँ आपको, ठीक है। तो पहले भी आप लोग को मैंने करी हूँ, तो आप लोग ने 2-4 जन तो मंगाए हैं ना यहाँ गोंडी से, ठीक है। तो अभी और मैंने करती हूँ क्योंकि मैंने बताई तो मंगाए, तो मैंने सोची चलो मैं वीडियो बना बना के रखी हूँ, लेकिन मैं वीडियो में अपलोड नहीं करती हूँ ये वाली मसाले की, अब मैं मसाले की अपलोड करा करूँगी, ठीक है। तो ये मसाला मैंने फर्स्ट टाइम डाली हूँ, और मैंने लाई थी रमज़ान से पहले ये सब मसाले, मैंने बहुत सारे मसाले लाई हूँ, तो मैं आपको मसालों की भी वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो अभी मैंने ये डाली हूँ, अब मैं इसे पानी डाल के चढ़ा दूंगी, बस थोड़ा सा तेल डालूंगी और चढ़ा दूंगी। नॉर्मल है तो मैंने खाली वैसे ही बॉयल करके बनाती हूँ ना, आज मैं मसाले वाला बनाती हूँ इस तरह से, बाद में मैं बताती हूँ और क्या करने का, ठीक है। ये मसालों में ना गाइज ये मेरा कुछ भला नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, आप लोग सोचेंगे कि इनको कुछ मिल रहा है तो ये ऐड कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इसमें से, खाली मुझे अच्छा मसाला लगा तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग का भी थोड़ा भला हो। और वो जो बेचारे बेचते हैं उनका तो भला होएगा ही होएगा माशाल्लाह से, हमारे कुछ भी वीडियो ऐड करने से और कोई कस्टमर मिल जाएंगे उनको, ठीक है। तो गाइस देखिए ये गोश हो चुका है, गल चुका है, तो अब मैं इसमें ना थोड़ी सी ये चने की दाल डालनी है मुझे, देखिए चने की दाल थोड़ा सा, और एक या तो 2 सीटी बस हो गई, ज़्यादा नहीं, अब मैं इसे 2 सीटी लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा गली हुई दाल अच्छी लगती है, एकदम ना तो खड़ी खड़ी रहती है, ठीक है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह करे मैं हम लोग भी ठीक है आप लोग की दुआ से। तो बस आज मैं बना रही हूँ पुलाव, यानी कि चने की दाल डाल के पुलाव बना रही हूँ, और उसमें मैं मसाला अलग से डालूंगी क्योंकि कभी मैंने रेडीमेड पुलाव का मसाला मैंने नहीं डाली कोई भी पुलाव में मैंने जब बनाया था, आज मैं मसाला डालूंगी वो भी एस ए फूड का। तो ठीक है मैं तेल वेल डाली हूँ, बालों में पूरा मेरा मुंह दम चिकना चिकना हो रहा है, अभी नहाना है संडे संडे स्पेशल बनेगा, तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी 2 दिन के बाद होएगी शायद, मुझे अभी काम है इसके लिए, थोड़ा मुझे एडिटिंग में टाइम लगेगा। तो ठीक है तो देखते हैं किस तरह से बन रहा, मैंने तो गोश्त गला लिए आप लोगों को बता दी हूँ सब, अभी और थोड़ा प्रोसीजर बाकी है उसका, तो देख लीजिए, ठीक है। तो गाइस देखिए इधर मैंने अभी प्याज डाली हुई तेल में, प्याज थोड़ी सी हो जाए तो उसके बाद में गर्म मसाला डालेंगे। देखिए प्याज हो गई है लाल, अब मैं वो प्याज लाल करने रखी है, गरम मसाला निकालने बैठी, थोड़ी सी हो गई है लाल, चलिए तो ये तेज़ पत्ता डाल रही हूँ, और इसमें ये गरम मसाला शाह जीरा बड़ी इलायची और काली मिर्च लौंग और बादियान फूल दालचीनी छोटी इलायची और ये है जावित्री, तो ये सब मैं डालूँगी इसमें, ठीक है। अब इसके साथ हम ये गोश्त डाल देंगे, ठीक है।
तो देखिए ये गोश्त डाली मैंने, चने की दाल बॉईल करके गोश्त जो बॉईल करी। अब ये टमाटर भी डालूंगी और आलू बाद में डालूंगी, ठीक है। टमाटर डाल दिए, अभी इसे अच्छे से हम भून लेंगे। तो देखिए गोश्त भी अच्छे से भून गया और टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो गया इसके अंदर। तो मैं अभी ये आलू डालूंगी और आलू डाल के थोड़ा सा भून के पानी डाल दूंगी। तो देखिए ये चावल मैंने भिगाई हूँ, कोलम चावल है, ज़ीरा राइस, मैं बासमती नहीं यूज़ कर रही हूँ इसमें, एकदम बारीक है देखिए, है ना। तो देखिए इसमें जोश आ रहा है अभी पानी में, मैं अभी इसमें चावल डाल दूँगी। तो देखिए गाइस ये चावल इसके मतलब पक गलने आ रहे हैं, पानी भी सूख गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये इनका क्या बोलते हैं SK फूड का शाही बिरयानी जो है ना फ्लेवर, तो इसमें डालेंगे पुलाव में। ये आप लोग किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं, चावल पुलाव बिरयानी किसी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसमें डालूंगी, देखिए इसमें ऐसे ही डालने का और अपना पूरा मिला लेने का। इसकी खुशबू मस्त आती है, बहुत अच्छी बेहतरीन खुशबू आती है। मैं तो बहुत बोलते ना एक साल से यूज़ कर रही हूँ इनका, ये जो बिरयानी का तो एसेंस है ना, तो मैं बहुत एक साल से यूज़ कर रही हूँ। बाकी और मसाले मैं थोड़े थोड़े कुछ बनाती हूँ तो उसमें यूज़ करती हूँ, मैं बताऊँगी आपको। मेरे पास बहुत सारे मसाले मैंने ली थी। तो देखिए गाइस मैंने ये मिर्चियाँ भी थोड़ी सी डाल दी, हरी मिर्ची, अब इसे हम दम पे रख देंगे। तो गाइस मेरा पुलाव रेडी हो गया है ये, तो मैंने अभी इसमें साफ कर चुकी हूँ। देखिए कितना मस्त खूबसूरत दिख रहा पुलाव। तो गाइस मेरा पुलाव बन चुका है और मैं नमाज भी पढ़ चुकी हूँ जोहर की। तो गाइस मेरा पुलाव रेडी हो चुका है और ये पुलाव मैंने अलग तरीके से बनाई हूँ, तो आप लोगों को बता चुकी हूँ, सर्व करके भी बता चुकी हूँ, तो देख लीजिए और आप लोग को पुलाव बहुत टेस्टी लगेगा। अभी हम लोग खाए नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ बहुत टेस्टी है, मैंने थोड़ा सा मतलब ना इतना सा चखी हूँ। तो गाइस मैंने इतना सा चखी, मुझे बहुत टेस्टी लगा। तो आप लोग भी बनाइए अपने घर में इसी तरह और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, थोड़ा सा है बढ़ा दीजिए आगे, थोड़े से के लिए काय के लिए अटका के रखे आप लोग, बढ़ाइए बढ़ाइए। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं आप लोग वो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बाजू में बेल आइकन है उसे दबाइए। तो गाइस अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, बाय बाय, टेक केयर।